हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसआई की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है कि एसआई का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, जितने लोगों का जो है पीएचटी टेस्ट निकला है उसका प्री एग्ज़ाम जो है अब नवंबर महीने में होगी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। याजी की न्यूज़पेपर में छपी है, उसको भी देखेंगे। साथ में एग्ज़ाम वैपम लगा तो अब आपकी रणनीति जो है क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। और 78,117 अभ्यर्थी के बाहर हो जाने से अब कंपटीशन में कितना फर्क पड़ेगा उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा जो है नवंबर महीने में जो है लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल डेट नहीं बताया गया, लेकिन आपको मंथ पता चल गया कि आपकी जो प्री एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगी। तो जितने भी अभ्यर्थी थे सभी परेशान थे, क्योंकि एक लंबी समय है इसकी जो जर्नी है एसआई एग्ज़ाम की, वो 2018 से लेके जो है अभी चली रही है। और इस बीच में जो है आपको एक मंथ पता चल गया कि इस मंथ में जो आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है, तो अपनी तैयारी में जो है ज़ोर शोर से लग जाइएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा मौका है, इतने लोग बाहर हुए हैं। तो साथ ही इस न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी पता चल रहा है दोस्तों कि 2020 में सिविल जज के 32 पोस्ट थे, इस बार जो है 40 से ज़्यादा होंगे, और पीएससी से जो है सिविल जज की जो है भर्ती जो है होने वाली है। तो दोस्तों, सीजीएसआई के लिए जो है टोटल जो फॉर्मों की संख्या थी, जो फॉर्म मिले थे वो 1,48,858 थे। ठीक है, जिसमें से 70,741 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं शारीरिक जो नापजोक हुआ पीएससी टेस्ट उसमें, बाकी 78,117 उम्मीदवार जो है बाहर हो चुके हैं। ठीक है, अब पात्र उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा व्यापम से नवंबर में होगी। ठीक, अब चूंकि जो है इतने लोग बाहर हुए हैं 78,117 उम्मीदवार, तो अब जो है आपके कंपटीशन में कितना फर्क पड़ा, कंपटीशन जो है कितना कम हुआ आपका, उसको जो है हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो टोटल पोस्टों की संख्या कितनी थी हमारे पास, जो है 975 पोस्ट थे। पहले 651 पोस्ट था 2018 में। ठीक है, 2018 में कितने पोस्ट थे, 651। फिर 2021 में जो है पोस्टों की संख्या को बढ़ाकर 975 किया गया था, जिसमें से 20 गुना अभ्यर्थी का जो है मेंस एग्जाम के लिए जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, 20 गुना उम्मीदवार को मेंस दिलाने के लिए बुलाया जाएगा। तो हम 975 का 20 गुना यदि करते हैं, 20 से गुणा, तो कितने हो रहे हैं, 19,500। ठीक है, तो मेंस दिलाने वाले अभ्यर्थी कितने हो गए, 19,500। अब देखो टोटल जो निकला है कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने बचे हैं, 70,741। 19,500 अभ्यर्थियों को मेंस दिलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी प्री में जो है निकलेंगे 19,500। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है 70,000 में जो है प्री एग्ज़ाम के लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं, बहुत ही कम है दोस्तों। प्री एग्ज़ाम में जो है कंपटीशन आपका कम हो गया है, इतने उम्मीदवार बाहर गए हैं, इसके निश्चित रूप से आपका फ़ायदा मिलेगा। जो लोग जो है निश्चित रूप से तैयारी में जो है कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, तो ये मौका जो है आप हाथ से ना जाने दीजिएगा। ठीक है, मेंस में जितने लोग बैठेंगे 19,500 में से 5 गुना को जो है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये 5 गुना जो है पोस्टों की संख्या का 5 गुना। ठीक है, यानी 975 का 5 गुना, यानी कि 4,875 कैंडिडेट को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत ही आसानी जाने वाली है फिजिकल में, क्योंकि 2018 में जो फॉर्म अप्लाई किए थे और अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है एज ओवर हो गया, जिस कारण से उसको फिजिकल एक्टिविटी करने में बहुत सारी परेशानियां जा रही हैं। ठीक है, जो लोग अभी अप्लाई किए हैं उन लोगों का तो ठीक है, थोड़ी सी एज कम है, लेकिन निश्चित रूप से जो है एज का फर्क पड़ता है फिजिकल एक्टिविटी करने में। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो 2018 से तैयारी कर रहे हैं, अब 2018 में जिसकी एज जो है 31 साल चल रही होगी, मतलब 30 से प्लस थी, तो उस अभ्यर्थी की जो है एज अभी क्या हो रही होगी, 36-37। ठीक है, 31-32 में थे, 36-37 एज की हो गए होंगे। तो अब जो नए कैंडिडेट 2021 में अप्लाई किए हैं उसकी एज जो है कम होगी, मान लीजिए 25-26 होगी, 25-26 का जो है 36-37 साल से जो है कंपटीशन रहेगा। तो निश्चित रूप से जो कम एज वाले हैं उनको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। तो जिसकी फिजिकल अच्छी होगी उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। तो ये एसआई भर्ती में जो है आपका शामिल होने के लिए एक गोल्डन मौका हो सकता है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या जो है कम हो गई। यदि वहीं पे जो है
कम कैंडिडेट्स जो है बाहर हुए रहते हैं, तब प्री में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आखिर इतने ज़्यादा लोग बाहर क्यों हुए हैं। तो ठीक है, पीएचटी टेस्ट में जो है आप एक एसआई अभ्यर्थी हैं, आप गए थे दिलाने, तो आपको पता होगा बहुत ही कम कैंडिडेट जो है बाहर हो रहे थे। यहाँ पर जो है बाहर होने वालों की संख्या की जो परसेंटेज हम लोग देखें यदि रेशियो, तो जो सेलेक्ट में है उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है कुछ और ही हुआ था। वहाँ पे बहुत कम लोग कैंडिडेट्स थे जो लोग कटे थे, चाहे वो नौकनी प्रॉब्लम हो, हाइट हो, चेस्ट हो, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वहाँ पे बहुत ही कम कैंडिडेट्स कटे थे। तो इतने जो रेशियो इतना कैसे बढ़ गया है, जो बाहर हुए हैं उन कैंडिडेट्स का रेशियो इतना कैसे बढ़ा है, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों द्वारा एक से ज़्यादा फॉर्म का भरना जो है इसका मेन कारण है। जो 2018 में जब फॉर्म निकली थी, तो कई अभ्यर्थी जो क्या किए थे, प्लाटर कमांडर के लिए अलग, वहाँ पे जो है अलग अलग फॉर्म भरने का प्रोसेस था। 2021 में जो है बदला गया, तो कई लोग स्पेशल ब्रांच के लिए डाले, उन्हीं लोग रेडियो के लिए अलग से डाले, यानी दो तीन फॉर्म जो है डाले थे। ठीक है, जब 2021 में इसको परिवर्तन किया गया, तब क्या किया, नया रजिस्ट्रेशन दिया गया, जिसमें एक ही आपको प्रिफ्रेंस चुनने का मौका दिया गया कि पहले आप किसको डालना चाहते हैं, प्रिफ्रेंस दीजिए, फिर उसके बाद। ऐसा चुनने का जो है ऑप्शन जो है 2018 में नहीं था। तो 2021 में जो लोग अप्लाई किए एक ही बार किए थे, और दो तीन फॉर्मों की संख्या हो गई थी। अब जो है उनको नया रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही मिला 2021 में, जिसके कारण कई कैंडिडेट्स के जो है एक दो फॉर्म जो है रिजेक्ट हुए। तो जिसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है ऐसा लग रहा है कि अभ्यर्थी जो है बाहर हो गए हैं। दूसरा कारण है भर्ती प्रक्रिया में जो है ज़्यादा समय लगना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 2018 में भर्ती निकली थी, अभी 2022 चल रही है। ठीक है, और इतने समय तक जो प्रिपरेशन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग का एज जो है जिस समय फॉर्म डाले थे 2018 में, उस समय ही जो है 30 31 32 साल हो गए थे। ठीक है, अब जो है उनकी 37 38 हो रही है, तो निश्चित रूप से उन लोग की जो है शादी वगैरह कर लिए कई लोग। कई लोग जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कई अपनी शॉप खोल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से उनको प्रॉफिट नज़र आने लग गई, तो वो लोग क्या करें, प्रिपरेशन को छोड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो है तैयारी को छोड़ दिए हैं, तो उन लोग जो है पीएचटी टेस्ट में जो है गए ही नहीं है। ठीक है, तीसरा जो कारण है दोस्तों, कई अभ्यर्थी द्वारा 2021 में नए रजिस्ट्रेशन का ना करवाना। कई लोग अभी ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लोग जॉब अपडेट्स रहते नहीं हैं, अपडेट रहते नहीं हैं किसी भी चीज़ के बारे में, और उन लोगों को समझ ही में नहीं आया। उन लोगों को लगा कि जो नए उसी में पोस्ट जुड़े हैं, तो नए कैंडिडेट हैं, सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे जो है पुराने जो डाले गए थे उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो कई लोग यही सोच के नहीं करवाए हैं कि जो पुराने कैंडिडेट हैं 2018 वाले, उनको नहीं लगेगा, जिसके कारण जो है उन लोगों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया था, जिसके कारण पीएचटी के लिए जो है उन लोग अवेलेबल ही नहीं हो पाए। तो ये जो है मेन कारण थे दोस्तों, जिसके कारण जो है इतने संख्या में कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं ऐसा लग रहा है हमको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अभ्यर्थियों के डाउट्स के ऊपर। अब चूंकि ये एग्ज़ाम जो है व्यापम लेने वाली है, तो व्यापम में क्या होती है, हमेशा जो है निगेटिव मार्किंग होती है एंट्रेंस एग्जाम को छोड़कर, जैसे कि प्री बीएड के एग्जाम थे एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन जितने भी जॉब से रिलेटेड एग्जाम व्यापम लेता है वहाँ पर 1/3 या 1/4 माइनस मार्किंग रहता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो है व्यापम में माइनस मार्किंग रहेगी, तो माइनस मार्किंग के बारे में जो है माइनस मार्किंग हो सकता है व्यापम में। ठीक है, श्योर नहीं है बट हो सकता है, इसको माइंड न करते हुए जो है आप अपनी तैयारी कीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग मेहनती हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको माइनस मार्किंग से फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जो लोग तुक्का लगाते हैं ज़्यादातर, वो जो है ज़्यादा सोच रहे हैं माइनस मार्किंग के बारे में। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे सिलेबस चेंज नहीं हुई है, कोई भी निर्देश जारी नहीं हुई है, तो क्या यहाँ पे अब व्यापम ले रही है तो मैथ्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों कि मैथ्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जो सिलेबस थे प्री एग्ज़ाम में वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वहाँ पे कोई निर्देश भी जारी नहीं किया गया है इससे रिलेटेड। तो आप क्या कीजिएगा, एकदम से नील ना रहिएगा कि मैथ्स जो है नहीं आने वाली है, थोड़ी थोड़ी वहाँ पे भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ताकि आप जो सिंपल्स क्वेश्चन हैं यदि आ गए तो आप बना लें। ठीक है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा कि मैथ्स नहीं आने वाली है, क्या पता यदि वहाँ पे एग्ज़ाम में मैथ्स आ गई तो वही आपका जो है माइनस पॉइंट हो सकती है। तो मैथ्स की तैयारी जो है कर लीजिएगा, एकदम डीप में मत पड़िएगा, भले ही यदि आपके पास समय नहीं है तो बाहरी बाहरी जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक से आपसे बनता है, वो टॉपिक जो है आप देख के ज़रूर चले जाइएगा।
जितने लोग पीएचटी टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं, हो सकते हैं उनमें से भी कई लोग जो है अभी एग्जाम प्री एग्जाम न दिलाए, ठीक है, क्योंकि ये भी भर्ती अभी 2023 तक कंप्लीट होने वाली, पूरा चलने वाली है। प्री होगा, मेंस का जो है पेपर होगा, ठीक है, फिर आपका फिजिकल होगा, सब में जो है डेढ़ डेढ़ दो दो महीने का भी गैप दे दिया, तो इसके एंडिंग तो 2023 में ही होगा, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस चलेगा, फिर साक्षात्कार होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, तो एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है दोस्तों, जिसके कारण कई लोग जो है यहाँ से हट रहे हैं तैयारी से, तो 4-5 हज़ार से तो ज़्यादा ही लोग जो है नहीं दिलाएंगे प्री, तो आपको कॉम्पिटिशन जो है 65 हज़ार ही समझो बस, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो लोग कंटिन्यू एसआई की तैयारी कर रहे हैं इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि बाकी जो कंपटीशन है वहाँ से जो है कंपटीशन कम हो गया है। यदि एक बार प्री निकाल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएगा, क्योंकि फिजिकल जो है सबका एक जैसा ही होगा दोस्तों, कई लोग रहेंगे जो है अच्छे नंबर से निकालेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसमें एज वाले हैं, तो फिजिकल में जो है जो लोग पढ़ने वाले हैं उसका फिजिकल जो है कई लोग का लो रहता है, जो लोग फिजिकल में हो तो उसका पढ़ाई थोड़ा वीक रहता है, तो ये जो है एक बैलेंस कंडीशन बन जाएगी। थोड़ा बहुत वीक पॉइंट यदि आपकी है तो उस पर सुधार कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।